अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं दानिश खान, अभी मैं हूँ उस्मान नगर हैदराबाद में, जहाँ पे फ्लड से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए और पूरे घर डूब गए, बर्बाद हो गए, कारोबार ख़राब हो गए इनके, और यहाँ पे किसी किस्म की मदद नहीं पहुँच रही है लोगों तक, क्योंकि ये अंदर गलियों में होने की वजह से ज़्यादा लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। मैं हमारे पूरे लोगों से, दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ यहाँ पर आए और यहाँ का जायज़ा लें और देखें कि यहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर कई यहाँ के मुकामी लोगों से बात करने का मौका मिला, तो उनके ज़रिए मुझे पता चला कि यहाँ पर अभी तक आप देख सकते हैं पानी तक हटाया नहीं गया। हमारे पास, जब मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे सामने एक डेड बॉडी तीरती हुई यहाँ पर आई, जिसको लेकर गए अभी। तो ये हालात है, और ये वायरस के दिनों में ये जो गंदगी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको साफ कराएं। वॉलंटियर्स, सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी इंडिविजुअल लोग हैदराबाद में काम कर रहे हैं, सब काबिल तारीफ है, लेकिन ये जो काम है ये हुकूमत के जिम्मे आता है। उन लोग को चाहिए कि सामने आए और इसको साफ सफाई करे, इस इलाके को नज़रअंदाज ना किया जाए। अपना पॉलिटिकल बेनिफिट इसमें नहीं दिख रहा है किसी को, तो लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग विज़िट करें, और ये जो कहते हैं यहाँ पर खड़े रहना मुनासिब नहीं है, लोगों के लिए खड़े तक नहीं रह सकते आप। देखिए, मैं बताता हूँ, जैसा मैं बता रहा था आपको, ये गली देखिए आप, कंजाल जमा हो गया है, पूरे नाले का पानी है, और यहाँ पर घर है देखिए आप, पूरे आसपास में बोट के जरिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोगों को देखिए, हैदराबाद में इतने सोशल एक्टिविस्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारी टीम अल्लाह के बंदे फाउंडेशन फर्स्ट डे से काम कर रही है यहाँ पर, लेकिन ज़रूरत ये है कि हम देखिए आने के तौर पे हो, पैसों के तौर पे मदद हो सकती है, वॉलेंटियर के तौर पे मदद हो सकती है, लेकिन ये वाला जो काम है ये हुकूमत के जिम्मे आता है, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि इसको साफ किया जाए। डेड बॉडीज आना और कितनी बीमारियाँ, ये गरीब लोग ना अपना बुखार आया तो इलाज करा पाएंगे, ना कुछ सहूलत। प्लीज़ मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर विज़िट करिए। और एक चीज़, यहाँ पर देखिए दवाइयों का, ब्लैंकेट्स का, और चटाई, रज़ाई, ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। खाने का भी सामान नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप लोग इस गली को तवज्जो दीजिए, इसको नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि लीडर्स यहाँ पर नहीं विज़िट कर रहे, उनकी अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट है, होगा हमको उस सब में पढ़ना भी नहीं है। यहाँ के मुकामी लोगों की आप मदद करिए प्लीज़। आप देख सकते हैं, घूम करके दिखाइए, वहाँ पर जो पानी जमा है, देखिए वहाँ जाना तक किसी के लिए इतना खतरे से भरा है कि आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए, अल्लाह के बंदे फाउंडेशन की टीम, इजाज खान भाई ने हमसे कहा था कि हर गली को कवर करना, तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ हमसे हो सका हम लोगों ने वहाँ पर पहुँचे हैं। तो दुआ की गुजारिश है, इंशाल्लाह फिर दूसरे मोहल्ले से मैं आपको लाइव बताता हूँ।